बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। आज दोबारा से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ख़ास तौर पर जो दोस्त बकरे पालते हैं उनके लिए, और उससे भी ज़्यादा ख़ास तौर पर खस्सी बकरे जो दोस्त पालते हैं उनके लिए, कि बकरे का जो पेशाब बंद हो जाता है तो उसमें पत्थरी आ जाती है, उसको किस तरीके से हमने चेक करना है। तो बकरे को देखें, इस तरीके से लेटाना है, बिल्कुल पुश्त इसकी ज़मीन की तरफ लगा देनी है आपने, टांगों को चारों को मिलाकर इसका जो नफ्स है बकरे का उसको आपने बाहर निकालने की कोशिश करनी है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जितना मोटा बकरा होता है पला हुआ, उसमें फिर चर्बी वगैरह ज़्यादा होती है, उसका फिर इतना मुश्किल होता है ये नफ्स निकालना। थोड़ा टेक्निकल है और जो प्रोफेशनल्स हैं वो आसानी से निकाल लेते हैं, छोटे उम्र में जो क्योंकि ये स्लिप होता है हाथ से, इसको बाहर निकालना मुश्किल होता है। ये देखें आप, ठीक है जी। अभी आपको इसको पूरा बाहर जब निकल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो धागा होता है, जब आपने देखा होगा जो आंडू बकरा जो कि पेशाब की धार मारता है, जब वो धार मारता है तो वो एक धागा सा होता है, उस धागे में से वो पेशाब जो है ना उसका बाहर आता है। तो उस धागे में जो पेशाब बाहर आता है तो इसी धागे में ये पत्थरी आकर फंस जाती है। तो आप जब इस नफ्स को निकालेंगे तो इसमें ये पत्थरी आपको मिलेगी। इस बकरे का एक दफ़ा पहले पत्थरी निकाल चुके हैं तो दोबारा इसको तकलीफ है। वज़ीर भाई माशाल्लाह हमारे मोस्ट सीनियर और इमाम अली, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जब नफ्स बाहर निकलेगी तो इस धागे को आपने देखना है, इस धागे में आगे पत्थरी होती है, तो उसको आप हाथ से निकाल दें। उसके बाद इसको आप जो है ना, ये देखिए ये धागा आपको नज़र आ रहा, देखें सामने, ये देखें इस धागे में आगे पत्थरी होती है। इस बकरे को चेक किया तो इसमें पत्थरी तो नहीं निकली, इसमें पहले जो पत्थरी थी वो निकाल दी गई थी, अभी दोबारा इसका धागा जो है वो ठीक है, इसमें पत्थरी नहीं है। इट मींस कि इसमें पीछे पत्थरी नफ्स में है। तो ये अगर तो होम्योपैथिक की दवा वगैरह से निकल गई तो ठीक है, अदरवाइज इसका फिर इलाज नहीं है, इसको ज़िबा करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये तरीका है पत्थरी निकालने का। पत्थरी अगर निकल जाती है उसके बाद आप इसको एमोक्सलिन वगैरह इन्फेक्शन से बचने के लिए वो लगा दें। खस्सी बकरों में ये प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें।